एंड वेलकम, आप देख रहे हैं पीएमएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ साक्षी त्रिजा। फिल्म एक कट्टर स्वतंत्र सेनानी महारानी लक्ष्मी बाई पर आधारित है, जिनकी 16 साल की उम्र में ही शादी कर दी जाती है राजा गंगाधर राव मिलिंद गुड़ाजी से, जिसके बाद वह एक बच्चे को जन्म देती हैं जो 11 महीने बाद ही मर जाता है। लेकिन उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई एक बच्चे को गोद लेती हैं जिसका नाम दामोदर होता है। आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई 19 साल की उम्र में ही विधवा हो जाती हैं, जिसके बाद वो अंग्रेजों के साथ हुकूमत को लेकर लड़ाई शुरू कर देती हैं और अंत में जाकर रानी लक्ष्मीबाई वीरगति प्राप्त कर लेती हैं। ऐसी फिल्मों के लिए एक भव्य बजट की जरूरत होती है, लेकिन राजेश मित्तल ने बड़ी चतुराई से इस फिल्म को एक सामान्य बजट में बनाया है। कहानी पूरी तरह से महत्वपूर्ण बन गई है क्योंकि ये पूरी फिल्म देशभक्ति के इर्द गिर्द ही घूमती है और देशभक्ति से ही ओतप्रोत है। शिक्षक गीत फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाता है। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी मूवी है जो बॉक्स ऑफिस पर आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, किसी के साथ भी जाकर देखे तो आप इंजॉयमेंट तो जरूर करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी मूवी है जो सिनेमा घरों में आने के बाद आप अपनी फैमिली, अपने दादा दादी और अपने फ्रेंड्स किसी के साथ भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आप इस फिल्म को जरूर एंजॉय करेंगे। ये फिल्म 125 करोड़ के बजट में बनाई गई है और जैसे कि आज रिलीज होते ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हाउसफुल हो गई है, तो देखकर लगता है कि फिल्म वीकेंड पर ही अपना बजट पार कर बैठेगी, क्योंकि दर्शकों को देखकर लगता है कि झांसी की रानी फिल्म उनको बेहद पसंद आ रही है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन हाउसफुल होता दिख रहा है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसी अपडेट्स, नई स्टोरी हम आपके पास लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए पीएमएस मीडिया।